भागलपुर के कहलगांव स्टेशन से खतरनाक वीडियो सामने आया है। शॉर्टकट मारने के चक्कर में बुरी तरह फंसकर एक यात्री बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि एक नंबर प्लेटफॉर्म से दूसरे नंबर अपनी गाड़ी पकड़ने जा रहा था शख्स मालगाड़ी के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहा था, तभी मालगाड़ी खुल गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक रेल यात्री रेल पटरी के बीच पेट के बल लेटा हुआ है और उसके ऊपर से मालगाड़ी गुजर रही है। किसी तरह यात्री ने अपनी जान बचाई। निकलने के बाद उसने लंबी सांस ली। यात्री की थोड़ी सी चूक से उसकी जान जा सकती थी। भागलपुर जिला के नौगछिया प्रखंड के महदतपुर गांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां महदतपुर मध्य विद्यालय में मिड डे मील खाना खाने से सैकड़ों बच्चे बीमार हो गए। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन एक एक कर स्कूल पहुंचने लगे। इधर बीमार बच्चे को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल पुलिस की मौजूदगी में लाया गया। परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की है। इधर बीमार बच्चे का इलाज अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया में चल रहा है। तो खाने तो जाओ घर खाने के लिए, फिर सब बच्चा नहीं खाने लगा तो उसको मार मार के खिलाने लगा। कौन कौन? चित्रंजन सर। ये कौन है चित्रंजन? पहले कैसे पता चला उसमें गिरा हुआ है? क्या खाने के बाद क्या हुआ? मानून घूमने लगा जब वेट वाली खाने लगी तब आए। उस नाम का वो भैया था ना, उसी के थरिया में छिपके लिए मिला था। आज मीनू क्या था, खाना क्या था आज? दाल बैगन और आलू। अच्छा, तो ये कौन स्कूल है तुम्हारा? मध्य विद्यालय मददपुर। कितने बजे आज खाना हुआ था स्कूल में? डेढ़ बजे। डेढ़ बजे आज शिक्षक लोग जो खाते वो खाया था? हाँ खाए थे सब शिक्षक खाए थे। खाली सब नहीं, तीन मैम सिर्फ खाई थी। कौन सा मैम खाई? खाना लाती है जिस दिन, ललिता मैम, रेखा मैम और अल्पना मैम। आज खाई थी? हाँ। अच्छा, और कितना बच्चा खाया होगा खाना? एक सिर्फ एट क्लास का लड़का ने, बच्चा ने खाया, और सारा टोटल का टोटल खा लिया। अच्छा, तो ये प्रेशर दिया गया तुम लोग को खाने के लिए? हाँ। कौन कौन शिक्षक तुम लोग को बोला कि खाना जबरदस्ती खाना है? मारपीट? चित्रंजन सर। घटना हुई है सर, हम लोगों को सूचना मिली है कि कुछ बच्चे जो है तो बीमार हो गए। किस कारण से? हाँ, क्या हुआ था? जो कारण की हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं सर, बच्चे उल्टी कर रहे हैं सर। हाँ। उसमें खिचड़ी उसके मुंह से निकल रहा है। हाँ। बोला जा रहा छिपकली खाना में गिर गया था, मेन्यू के अनुसार सही खाना नहीं बनाता और शिक्षक लोग प्रेशर करके खिला रहे थे। हम लोग देख रहे हैं, जिसको जो इसके लिए जवाबदेह होगा हेडमास्टर या रसोईया, उस पर हम लोग उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। सूचना लगभग 5 बजे के आसपास प्राप्त हुई थी कि कुछ बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है, तो सूचना प्राप्त होने के साथ ही हम लोग एम्बुलेंस भेजे और प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी मौके पर भेजे और इस अनुमंडलीय अस्पताल में सारी व्यवस्था तैयार रखने को कहा गया। बच्चे आए हैं तो लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि मिड डे मील खाने के बाद तबीयत खराब हुआ है बच्चों का, तो आप लोग भी जैसा यहाँ देख रहे हैं इलाज चल रहा है बच्चों का और बहुत अधिक किसी का खराब टाइप तबीयत नहीं दिख रहा है, लेकिन एहतियातन हम लोग सभी बच्चों पर नज़र रखे हुए हैं और बाकी किस कारण से हुआ है इसकी जाँच करवाई जाएगी। सूचना तो इसी तरह की दी गई है, तो अब ये जाँचों उपरांत ही पता चलेगा कि छिपकली के कारण हुआ या किस कारण से ये घटना घटित हुई है। प्रधानाध्यापक को तो खाने की गुणवत्ता देखना ही है और संभवतः ये नियम भी है कि खिलाने के पहले बच्चों को भोजन को चेक कर देख लेना भी है, तो कल हम लोग इस बिंदु पर जांच करेंगे। अभी प्राथमिकता जो बच्चों को कुशल रखना है और उन्हें कुशल घर वापस करना है इलाज उपरांत। बच्चों के द्वारा कहा जा रहा है प्रेशर देके हम लोग को खाना खिलाया गया है, इस तरह की तो घटना नहीं होती है कि कहीं जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, लेकिन यदि बच्चे ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग इस बिंदु पर भी
जांच करेंगे। तो यहाँ जो भी अरेंजमेंट हो सकता है सब किया गया है, हम लोग भी घूम फिर के देखे हैं, ज़्यादातर बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन एहतियात के तौर पर सबको अभी चेकअप में रखा गया है, डॉक्टर साहब उसका देख रहे हैं और स्थिति पर नियंत्रण किया गया है। बल का भी व्यवस्था करवा लिए हैं हम लोग, क्योंकि गार्जियन बहुत सारे आ रहे हैं, तो हौच पौच की कंडीशन नहीं हो इसके लिए महिला बल भी अभी कॉल किया गया है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। फिलहाल रंगराज थाना प्रभारी हैं, टाउन थाना प्रभारी हैं, हम हैं, आसपास के जितने थाने हैं सबको यहाँ पर कॉल किया गया है, और हमारी एक टीम जो है महदतपुर गांव में गई हुई है, तो वहाँ भी सुने हैं कि कुछ बच्चों का जो है डर बना हुआ है, ऐसे तो कुछ है नहीं, फिर भी एहतियात के तौर पर जो भी हो सकेगा और अरेंजमेंट किया जा रहा है, और इसकी जानकारी बड़ियों को भी दी गई है, एसपी साहब को भी बताया गया है, वो भी थोड़ी देर में हो सकता है पहुँच जाए यहाँ पर। देखने से क्या लग रहा है बच्चों को देखने से? ऐसा अभी तो क्लियर हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ बच्चों को वोमिटिंग टेंडेंसी वगैरह हुआ था, और उनको शक था कि मध्याह्न भोजन खाने से ही ऐसा हुआ है, तो चूंकि अब रात का समय है, गांव देहात है, रात में और भी तबीयत बिगड़ जाए, तो एहतियात के तौर पर सभी बच्चों को हम लोग हॉस्पिटल बुला रहे हैं। गार्जियन थोड़ा सा पैनिक है, उनके लिए हम लोगों की तरफ से अपील है कि वो पैनिक नहीं हो, स्थिति पर नियंत्रण है, और जो भी ज़रूरत होगा बच्चों के लिए, यहाँ इलाज तो हो ही रहा है, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की ज़रूरत होगी तो वो भी हम लोग करवाएंगे, और अभी जो बच्चों को गांव से लाया जा रहा है तो एम्बुलेंस तो है ही, साथ में पुलिस की गाड़ी, बीडीओ साहब की गाड़ी, उन सब से भी बच्चों को लाया जा रहा है, ताकि डॉक्टर साहब के नियंत्रण में, निगरानी में उसको रखा जा सके, इलाज करवाया जा रहा है। क्या कितना अंदाजा लग रहा है? बोलिए, अभी जाँच के विषय है, अभी तो स्थल पर नहीं गए हैं हम लोग, जिनकी भी गलती होगी, जिनकी भी कमियां पाई जाएगी बाद में बात कीजिएगा, कार्रवाई किया जाएगा। फिलहाल हम लोग बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित हैं कि सारे लोग स्वस्थ हो जाएं, फिर उसका जांच हम लोग अलग से करेंगे। कितने बच्चे लग रहे हैं सर यहाँ आए होंगे? अभी काउंटिंग हमारे पास नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि 100 से ज्यादा बच्चे अभी यहाँ आ चुके हैं। सर, एक बच्चे का यह भी कहना है कि गिरगिट निकला था और प्रधानाध्यापक बोले कि बैगन का डंटी है और हम लोगों को खिला दिए जबरदस्ती। पता कर लेते हैं, आप ही के माध्यम से ये पता चल पा रहा है हम लोगों को। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ऐसे तो हमेशा विवादों में रहता है, कभी छात्र यहां डिग्री तो कभी परीक्षा परिणाम को लेकर चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन अब यहां के अधिकारियों कर्मियों ने कुलपति के साथ ही घपला कर दिया। दरअसल टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के वेतन के जरूरी दस्तावेज ही गायब हो गए हैं, जिसके बाद नाराज कुलपति ने अब वेतन लेने से ही इनकार कर दिया है। यहां तक कि उन्होंने शिक्षकों व अन्य कर्मियों के वेतन और पेंशन का आदेश जारी कर दिया है और अपने वेतन के लिए हस्ताक्षर नहीं किया। पदभार ग्रहण करने के बाद से कुलपति का यह पहला वेतन था। और सभी पेंशनधारी और शिक्षकों का वेतन रोक दिया, मैं मतलब पेमेंट कर दिया और अपना रोक करके, चूंकि मुझे तो पहली बार वेतन मिल रहा है इस विश्वविद्यालय से, तो उसका फिक्सेशन करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर एफ ए ने जो रफ सीट बनाया था फिक्सेशन का, वो दो तरह से उसका कैलकुलेशन उन्होंने किया था। वो मैंने फाइल जब देखी तो ओरिजिनल फाइल में ऑलरेडी वह सीट ही गायब है, और जबकि इन लोगों ने पेमेंट का फाइल बढ़ा दिया है, मेरा अकाउंट सेक्शन से पेमेंट का फाइल जब हम कैलकुलेशन वाला सीट नहीं देखे और पेमेंट का, तो हो सकता है कि मुझे संदेह हो गया कि क्यों गायब हुआ। उस पर मैंने इंक्वायरी करना शुरू किया, यहाँ सर्वानंद जी हैं, अकाउंट्स के एसओ हैं, मैंने पूछा कि ये चीज़ कहाँ थी, क्योंकि आपने तो देखी थी, तो बोले कि हाँ सर मैंने देखी है। उन्होंने किसी दूसरे का नाम बताया, फिर तीसरे का नाम बताया, तो मुझे ये नहीं लेना है कि किसने या नहीं, जो सेक्शनल ऑफिसर है या जो कंसर्न ऑफिसर है उसकी जिम्मेवारी बनती है कि किसी, मेरा ही नहीं, किसी भी टीचर का, किसी भी नन टीचिंग का या कोई भी चीज़, फाइल से डॉक्यूमेंट्स का गायब हो जाना यह अपने आप में सस्पेंस क्रिएट करता है, और सच पूछिए तो इस पर पहले FIR करना चाहिए। कुलपति की फाइल स्थापना शाखा में तैयार होने के बाद अकाउंट्स FO कुल सचिव के टेबल से होते हुए वित्त परामर्शी के पास पहुंची थी, इसके बाद पूरी फाइल ही गायब हो गई। फाइल गायब होने के बाद TMBU प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल इसको लेकर सख्त हैं, उन्होंने कहा कि पहली बार मेरा वेतन आना था और वेतन संबंधी कागजात गायब हैं। जब हमारे साथ ये हो सकता है तो अन्य शिक्षकों कर्मचारियों का क्या हाल होगा, हम अब अपना वेतन भी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं,
अकाउंट्स ब्रांच के एसओ और संबंधित अन्य कर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। मामले में जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों का तबादला भी किया जाएगा। जब हम यहाँ पहुँचे तो लेखा और पेंशन शाखा को लेकर भी शिकायतें मिली थी, इस पर भी काम करेंगे। शिकायतें बहुत आ रही थी, फिर भी मैं देखता था कि हो सकता है कि लोग सुधर जाएं। जैसे मगध यूनिवर्सिटी में मैंने ज्वाइनिंग के दिन कहा कि जो लोग उल्टा सीधा काम करते हैं, तो वहाँ तो मैं टेम्प्रोरी हूँ, मैंने कहा कि जब तक मैं हूँ आप लोग हट जाओ, मुझे कह दो कि यहाँ कर दीजिए, मैं वहाँ कर दूँगा। लेकिन या जब तक मैं हूँ तब तक आप ईमानदारी से काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर कहीं मैं गड़बड़ी पकड़ लिया तो उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। आज देखिए मगध यूनिवर्सिटी में हमने 2 का ट्रांसफ़र कर दिया, जब तक हमें गलती नहीं साबित हो जाती तब तक हम एक्शन कैसे ले सकते हैं। असिस्टेंट क्या लिखता है या लोग क्या लिखते हैं उसे मेरा मतलब नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइज़र का जो एडवाइस होता है वह कुलपति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। मैं बताता हूँ कि जाँच ये होगी कि पहले तो आज एक्सप्लेनेशन होगा जो व्यक्ति हैं और जो और उन्होंने 2 से 3 व्यक्तियों पर एक्सप्लेनेशन होगा, एक्सप्लेनेशन का क्या जवाब आता है ना, उस पर मैं एक जांच कमेटी बना दूंगा। और या तो मुझे पता लग ही जाएगा कि कौन व्यक्ति ने गायब किया है, अगर वह व्यक्ति है ना जो गायब किया है तो उस पर कड़ी से कड़ी मैं कार्रवाई करूँगा। वो कार्रवाई FIR भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है, और जो संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका तो हस्तांतरण अकाउंट सेक्शन से निश्चित है, वो तो मैं हटा ही दूंगा जो लोग इन। लेकिन मैं FIR भी करूंगा, उसके लिए कोई मतलब नहीं बनता। सबसे पहले आज से कल तक इस पर डिटेल इंक्वायरी हो जाएगी कि वो चीज़ कहाँ है। एक व्यक्ति ने ऑलरेडी रजिस्ट्रार के मोबाइल पर यह भी कह दिया कि FA साहब ने निकाल लिया, ये मैं सुनता रहा चूँकि ऑन करके, तब मुझे और हो गया कि क्या FA निकाल सकते हैं। मैंने FA से बात की, FA का कहना है कि सर वो तो फाइल मेरे यहाँ आए भी नहीं की है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि क्या बात होती है। एक अकाउंट्स ऑफिसर जो है सेक्शन ऑफिसर वो बोलता है कि दूसरे का के नाम क्या है मुझे तो नहीं पता, दूसरे व्यक्ति के बारे में कि ये जो है लेकर के गया था। उस व्यक्ति से जब मैंने पूछा या लोगों ने पूछा, रजिस्ट्रार ने पूछा, तो उसने कहा कि FA साहब उसको हटा दिए या निकाल लिए। FA साहब से जब पूछे तो वो लेकिन नहीं सर अब मेरे पास तो फाइल नहीं आई है। इसका मतलब है कि फाइल में कोई इंटेंशन किसी न किसी व्यक्ति का बैठ था और उस फाइल में कैलकुलेशन को हटा दिया गया। उसके बहुत दूर दुर्गामी परिणाम को मैंने सोचा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग जान करके, चूँकि जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कोई गलत तरह से पेमेंट करके बाद में फिर ये कह दें यानी कि ये पेमेंट ज़्यादा ले लिए या कम। कैलकुलेशन तो जरूरी नहीं कि मेरी वेतन वास्तव में कितनी निर्धारित हुई। आपको बता दें तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। लगातार छात्र यहां की व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करते हैं। पहले तो 2 वर्षों से यहां नियमित कुलपति नहीं थे, जब स्थायी कुलपति पहुंचे तो उन्हें ही यहां की लचर व्यवस्था का शिकार होना पड़ गया। भागलपुर के बात थाना क्षेत्र के आभरतनपुर के गहरा पुल के समीप अज्ञात अपराधियों द्वारा तेज धारदार हथियार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि आभरतनपुर के गहरा पुल के समीप अज्ञात लोगों द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। मृत व्यक्ति की पहचान आभरतनपुर के रहने वाले मनोज दास के 28 वर्षीय पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए सबको कब्जे में लेकर थाना लाकर परिजनों को सूचना दी और घटना की छानबीन में जुट गई है। आपका? मेरा नाम दीपक कुमार दास है। कहाँ घर हुआ? आभारतनपुर। क्या घटना घटी आपके साथ? सर मेरा भाई है, करण कुमार इसका नाम है जी जी, जो कि सर 4:30 के लगभग ये घर से गायब था और बोल के किसी को नहीं गया था। उसके बाद सर कुछ देर के बाद पता लगा कि भाई नहीं आया। इसकी वाइफ बोली कि पानी लाने के लिए बोले थे, बोला मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं, जरा फ़ोन करके देखो कहाँ है। तो फ़ोन इसको किए तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उस टाइम से खोजना शुरू किए हम लोग, तो रात में सर इधर उधर फ़ोन फान किए, उसके बाद पता नहीं लगा। इसको फ़ोन किए तो रिसीव नहीं कर रहा था, तब हम अपने रिलेशन में फ़ोन किए, सारी जगह फ़ोन किए, कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद सर सुबह 6:30 के बाद कुछ लोग ने ऐसे शोर शराबा किया तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। कहाँ पहुँचे?
गहरा नदी पुल के पास रोड किनारे रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था? मेरा भाई रखा हुआ था। क्या किया है उसके साथ? उसके साथ सर हत्या किया गया है। क्या चीज़ से? सर ऐसा तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कोई लोग बोलता है गोली से मारा है, किसी ने कहता है हथियार से मारा है। क्या लगा आपको? हमको तो सर ऐसा लग रहा है किसी हथियार से भी मारा है, गोली से भी मारा है, दोनों से। क्योंकि सर पहला जो यहाँ पर लगा हुआ है ये तो लगता है सर गहरा जख्म है, उसके बाद कुछ यहाँ पर लगा है हल्का जख्म है, पीछे लगा है थोड़ा ज्यादा जख्म है। कौन मारा है कुछ आप? कौन मारा है सर ये तो हम नहीं बता सकते हैं, अभी तक पता नहीं चल पाया। नहीं सर, क्योंकि हमेशा ससुराल में जाता था। दुश्मनी किसी से? दुश्मनी ससुराल वाले से ही होगा सर, यहाँ से किसी से दुश्मनी नहीं है सर। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सहजंगी नवटोलिया गांव में देर शाम जमीनी विवाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक महिला की पहचान 45 वर्षीय रानी देवी के रूप में हुई है, जो बाजार से सामान खरीदकर नवटोलिया अपने घर जा रही थी। इसी दौरान उसके घर के समीप अपराधियों ने रानी देवी को रोक कर सर के पिछले हिस्से में गोली मार दी। गोली लगने के बाद रानी देवी सड़क पर गिर गई, जिसके बाद हमलावर वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना हबीबपुर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद आनन-फानन में पुलिस ने बुरी तरह जख्मी रानी देवी को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के पुत्र विक्की कुमार ने बताया कि वो बाजार से बाइक से घर लौट रहा था, इसी बीच मम्मी को गोली मारने की सूचना मिली। उसने कहा घर के ही पास 2 कट्ठे जमीन को लेकर उसके रिश्तेदार उचित यादव, रामविलास यादव और कई लोगों से विवाद चल रहा था। पहले भी कई बार मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था और जान मारने की धमकी भी दी गई थी। विक्की ने बताया कि दुर्गा पूजा के समय पुलिस से शिकायत भी की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यादव की साला नहीं उसकी मां को गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी शुभम आर्य घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन की। एएसपी ने बताया प्रारंभिक सूचना के आधार पर जमीनी विवाद में महिला की हत्या की बात सामने आई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है, जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। बच्चा देख के मैलान करता, फेसबुक पे फोटो लगा के छोड़ दिया। वो समझाया उसको, बोला तो जाके वो लोग नहीं मान। बार केस किया मेरा चाचा, सबसे जाके पूछताछ के केस किया तो थाना वाला भी कुछ सुनवाई नहीं किया। फिर दोबारा आया, फिर बोला कि उसको मेरा चाचा बोला कि तुमको मारेंगे गोली, 2-3 बार आके धमकाया इसको मेरा चाचा को। तो ये मार्केट करके आ रही थी और हम भी गाड़ी बीच रोड पे लगा करके हम भाग के आए हैं कि सुनने में आया गोली मार दिया गया है। कौन मारा? मारा उचित यादव का साला मारा, जो धमकी दिया वही मारा। क्या नाम उसका? घटना सर, ये शाहजंगी नवटोलिया एरिया की घटना हुई है। इसमें एक मीरा देवी नाम महिला को 2 लोगों ने गोली मारी है। अब उनका पुष्टि हो रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है और अभी बाकी शिनाख्त जारी है। उनमें जो भी शामिल है घटना में पता कर रहे हैं। भागलपुर में कोर्ट में पेशी के दौरान कई कैदी पिछले 1 साल में फरार हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही कम नहीं हो रही है। आज उत्पाद विभाग की लापरवाही कोर्ट में शराबियों की पेशी के दौरान देखने को मिली, जब हाथ में हथकड़ी लगाए कई कैदी बिना सिपाही के ही इधर से उधर घूमते नजर आए। वहीं जब रिपोर्टर को सिपाहियों ने देखा तब वह दिखावे के लिए कैदियों के नजदीक आए और उन्हें गाड़ी में बैठाया। यही जब साथ आए अधिकारी से पूछा गया कि ऐसी लापरवाही क्यों, तो उनका कहना था कि ये लोग भागने वाले नहीं है। समझा जा सकता है कि जब अधिकारी का यह रवैया है तो बेचारे सिपाही क्यों न कैदी को छोड़कर घूमे। वो हम कोर्ट को बता देंगे। कोर्ट को बताइएगा, कैदी को छोड़ के सब माने अपने हाथ में रास्ता हथकड़ी लेके जा रहे हैं। क्या कैदी को छोड़ के? अपने हाथ कैदी का अपराध थोड़ी रहा, जो कैदी है जहाँ है सुटेबल जगह जा रहा है। तो माने कैदी माने भाग जाएगा तो कैसे भाग जाएगा? अपने मन से क्या? कोई नहीं था साथ में, साथ में सब था। आपके बोलने से नहीं हो सकता है ना, आप लोग के बोलने से। देखा है कोई नहीं था। क्या नाम है सर? आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम बता दीजिए सर। बिहार में लगातार घूस लेने वाले अधिकारियों पर निगरानी की टीम लगातार दबिश दे रही है। पूर्णिया में सबसे ज्यादा घूस लेते अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। निगरानी की टीम ने पूर्णिया के बनमंखी अंचल के धरा विशेष सर्वेक्षण कानून को सौरभ कुमार को प्रतिवादी अशोक कुमार भगत से 1,50,000 रूपए जमीन के कागजातों को ठीक करने के लिए घूस के एवज में मांगा गया था, जिसकी शिकायत निगरानी से परिवादी ने की थी, जिस पर निगरानी की टीम ने घूस लेते हुए सौरभ कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं उन्हें आज निगरानी की टीम ने निगरानी कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। नाम सौरभ कुमार है, ये विशेष सर्वेक्षण कानून गो है। ये धरहरा है, एक जगह बनमंखी अंचल पूर्णिया जिला में, वहां ये पोस्टेड है। तो वहीं पे जो अशोक कुमार भगत है, जो परिवादी थे, इनके कुछ ज़मीन की
हेर फेर के मामले में, मोटा मोटी जो लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए, कुछ हेर फेर, कुछ मामला जमीन का मामला सुलटाने में उन्होंने कुछ पैसे की मांग की। कितने पैसे के साथ गिरफ्तार? 1.5 लाख रुपये। अपना परिचय? मेरा ये सौरभ कुमार नाम है इनका। भागलपुर के पीरपैती थाना क्षेत्र के परशुरामपुर पंचायत स्थित बंगाली टोला के जब्दी बिहार में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर मोनू सिंह पिता तेज नारायण सिंह उम्र 36 वर्ष और अल्टेकर सिंह पिता स्वर्गीय गुड्डू सिंह 18 वर्ष की गोली मार दी। वे दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर अपने खेतों की बुआई करवा रहे थे। घटना के बाद ट्रैक्टर चला रहा चालक फरार हो गया। आसपास के लोग गोली की आवाज सुनकर घटनास्थल तक गए तो दोनों की मौत हो चुकी थी। गोली लगने से दोनों लोगों के सर का चिथड़ा उड़ गया था। गोलीबारी की आवाज सुनकर पास के लोग जब वहां पहुंचे तो हमलावर फरार हो चुके थे। मुखिया पवन यादव और अन्य लोगों ने घटना की सूचना थाना को दी, जिस पर थाना अध्यक्ष राजकुमार प्रसाद दलबल के साथ पहुंचे। इस बीच SDPO शिवनंद सिंह भी इसी पूर्व बुद्धूचक बाखरपुर आदि थाना के अधिकारी व पुलिसकर्मी के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि पारिवारिक रंजिश में हत्या की आशंका है, अनुसंधान किया जा रहा है, जांच कर घटना में संलिप्त लोगों को जल्दी गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के दलित बस्ती में 2 दिन पहले हुए बच्चों के विवाद में 1 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। मृतक बच्ची के पिता पवन ने बताया कि वो स्वीपर का काम करते हैं। 2 दिन पहले ही ससुराल में हुए बर्थडे के दौरान बच्चों में लड़ाई हो गई थी, जिसको लेकर अशोक के द्वारा हत्या करने की धमकी दी गई थी। और आज सुबह अशोक, मनोज और राहुल घर पर आ धमके और पवन को चाकू लेकर मारने का प्रयास करने लगे। इसी बीच पवन की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर थी। जब वो लोग पवन को नहीं मार सके तब राहुल के द्वारा बच्ची के सर में केहुनी से मार दिया गया, जिससे बच्ची की मौत हो गई। वहीं मामले को लेकर बरारी थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई में जुट गई है। 2 दिन पहले सर बच्चा पुत्र में झगड़ा हुआ सर, वो हमको धमकाने लगा सर। धमकाने के बाद वो बोला कि ठीक है तुम्हारे घर में ये सब मर्डर होगा, ये होगा, फल्ला होगा, 9-17 बोल दिया सर। 2 दिन के बाद मेरा घर में यहाँ से ये सब हो गया। क्या हो गया? रात मतलब सर वो जो ना होता बर्थडे उडे मनाते हैं तो सब मेरा सास ससुर चला गया था, सब चला गया था सर। हम 2 जीव अकेले थे घर में, हम सो रहे थे सर। एक बागे दो उसका बेटा है, उसका पापा राहुल 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 मनोजोम दोनों आया सर। एक आदमी हमको कंटा धर लिया, एक आदमी हाथ धर लिया और चाकू से हम मारना चाहा तो हम हाथ उसका पकड़े। हाथ पकड़ने के बाद सर बच्चा को ये आया, ये बच्चा को जब लेके निकला नहीं तो वो जो है ना बच्चा जैसे वो लेके भागा ना तो वो एक आदमी हमको पकड़ रहा और वो जाके काटी बच्चा को दे दिया। भागलपुर के नाथनगर स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक पर एक ठेला चालक की मौत हो गई। बताते चले कि घटना के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने मृतक की पहचान मधुसूदनपुर इलाके के नए टोला मिर्जापुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय बड़ेलाल यादव के रूप में हुई है। उसके पुत्र सूरज कुमार और अन्य परिजनों ने भी इसकी शिनाख्त की है। वहीं सूरज ने बताया कि पिता भागलपुर रेलवे गोदाम में ठेला चलाने का काम करते थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कवि गुरु एक्सप्रेस की चपेट में आने से उनके बड़े लाल की मौत हुई है। रेलवे ट्रैक पर खड़ी थी, इसी बीच वह ट्रैक पार करने लगा। दूसरे ट्रैक से कवि गुरु एक्सप्रेस तेजी से गुजर रही थी, इसकी चपेट में आने से उसकी मौत हो गई।